आज हम बनाने वाले हैं दलसग्गा। ये हम थोड़ा सा बथुआ का साग ले लेते हैं और इसे पहले हम पानी में उबाल लेंगे। जब तक हमारी साग उबल रही है तब तक हम दाल बना लेंगे कुकर में। यह है मसूर का दाल मैंने लिया है, इसे हम उबाल लेते हैं कुकर में। 2 सीटी लगा लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं हल्दी और नमक। ये हमारा साग भी उबल गया है। अब हम कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। दलसग्गा बनाने के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। उसमें डालेंगे 1 प्याज, 2 हरी मिर्च है, 1 टमाटर है और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तेल में हम डाल देते हैं 2 सूखी मिर्च और 3 तेज़पत्ता। प्याज डाल देते हैं। ये हमारा 2-3 लहसुन का कली और अदरक है। ऐड करेंगे लहसुन अदरक। थोड़ा मसाला ऐड कर देते हैं। ये जीरा मिर्च, हल्दी, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा नमक क्योंकि दाल में भी नमक है, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला। दाल भी चेक कर लेते हैं। दाल में भी 2 सीटी लग गई है। देखिए मसूर की दाल है, 2 सीटी में बहुत अच्छे से बन जाता है। मसाला में थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाला को अच्छे से भून लेंगे। मसाला थोड़ा भून गया है, अब उसमें हम अपना उबाला हुआ साग डाल देंगे। इसमें हम दाल मिक्स कर देते हैं चलाते हुए। दाल में आ चुका है वो 1 उबाल। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता। अब दाल में हम लगा लेंगे 1 छौंक। मिलेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी में डालेंगे जीरा। अब धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। बथुआ की साग का दलसग्गा बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप भी अपने घर पे बनाएं। बहुत ही टेस्टी दलसग्गा बन के तैयार हुआ है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।